के लिए बोला हमने बुला ली, अब यू बोला आप लोग दारू लेके आ जाओ, मैं चखना लेके आता हूँ। यहाँ चखना डिस्कस करने बैठा हूँ। मिलोट मिलोट तो दारू डिस्कस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एबी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इंग्लिश मीडियम मूवी जो कि एक काफ़ी शानदार फिल्म है, और दोस्तों ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसके अंदर हमको काफ़ी शानदार एक्टर इरफान खान काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर उनका साथ दे रही करीना कपूर, और दोस्तों इस फिल्म में करना हमको राधिका मदन और दीपिका दोबरिया भी काम करते हुए नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अब इस फिल्म को हम सबके बीच में लगे हुए को हो चुके हैं 6 दिन, और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये फिल्म अपने 6 दिनों में कमा रही है कितने करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बॉलीवुड और साउथ की सभी फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। वेल फ्रेंड, अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम मूवी की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म एक काफ़ी शानदार फिल्म है जिसके पब्लिक रिव्यू भी काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म की, तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी है, और दोस्तों फिल्म के सभी सॉन्ग्स सुपर डुपर हिट रहे। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म के कलेक्शन की, तो दोस्तों जिस तरीके से फिल्म ने अपने पहले दिन की ओपनिंग ली थी, दूसरे दिन की ओपनिंग ली थी, तीसरे दिन की ओपनिंग ली थी, उससे ये लग रहा था दोस्तों की फिल्म काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर जाएगी। पर दोस्तों फिल्म की किस्मत ख़राब निकली, क्योंकि दोस्तों चौथे दिन से सरकार ने यह लागू कर दिया कि सभी भारत के थिएटर्स बंद कर दिए जाएंगे ताकि कोरोना वायरस नहीं फैले, और दोस्तों इसी वजह से सभी फिल्मों के कलेक्शन डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। पर दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन की शानदार ओपनिंग ली थी 4.3 करोड़ रुपए की। वहीं पे फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए लगभग 3 करोड़ रुपए, और दोस्तों फिल्म ने अपने तीसरे दिन कमाए 2.5 करोड़ रुपए। इसी के साथ में दोस्तों फिल्म का चौथा दिन था कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से सभी थिएटर बंद कर दिए गए थे। तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने चौथे दिन लगभग 50 लाख रुपये कमाए। वहीं पर दोस्तों इस फिल्म ने अपने 5वें दिन लगभग 10 लाख रुपये कमाए, और दोस्तों ये फिल्म अपने 6ठे दिन लगभग 5 लाख रुपये की ऑक्यूपेंसी बता रही है। और इसी के साथ में दोस्तों इस फिल्म का 6 दिनों का इंडिया का नेट कलेक्शन हो चुका है 10.18 करोड़ रुपये। वहीं दोस्तों फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 12 करोड़ रुपए, और दोस्तों यह फिल्म ओवरसीज तक कमा रही है लगभग 3 करोड़ रुपए। वहीं पे दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 15 करोड़ रुपए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां पर इतनी बेहतरीन फिल्म को अभी तक लगभग 40 करोड़ रुपए कमा लेना था, वहीं पर दोस्तों यह फिल्म अभी तक मात्र 15 करोड़ रुपए कमा पाई है, यानी कि दोस्तों यह फिल्म हो चुकी है फ्लॉप। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस ने सभी फिल्मों को फ्लॉप कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इसके आगे किसी की भी नहीं चल रही है। वैसे दोस्तों अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए, और भीड़ भड़क्के वाले इलाके में कम जाइए। चलिए दोस्तों ऐसे ही शानदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।